सांकरा पुलिस ने ओडिशा से लाकर छत्तीसगढ़ में नकली नोट खपाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 आरोपियों को पकड़ा है। इनसे 2,20,700 रुपए के नकली नोट बरामद किया है। पकड़े गए आरोपियों में 2 छत्तीसगढ़ और 1 ओडिशा का है। एसपी ने बताया कि आरोपी बरगढ़ से नकली नोट लाकर इसे महासमुंद के सरायपाली, बसना, सांकरा बाजार, बलौदा बाजार क्षेत्र के बाजार में खपाने वाले थे। आरोपितों से पूछताछ की जा रही है। शनिवार को जिला मुख्यालय के पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी विवेक शुक्ला ने मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 10 जून को सीधे तौर पर एसपी को मुखबिर से सूचना मिली कि बसना की ओर से मोटरसाइकिल में कुछ लोग ओडिशा से नकली नोट लाकर छत्तीसगढ़ में खपाने के फिराक में हैं, जिन पर एसपी ने उक्त सूचना पर साइबर सेल की टीम एवं थाना सांकरा की टीम को संदिग्ध व्यक्तियों पतासाजी का निर्देश दिया। इसी दौरान टीम परसवानी चौक में वाहन चेकिंग पॉइंट लगाकर वाहन जांच करने लगी। वाहन जांच के दौरान 2 मोटरसाइकिल सांकरा की ओर बढ़ते मिले। उक्त संदिग्ध वाहन को रोककर नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम पुनीराम पटेल, दूसरे वाहन में बैठा व्यक्ति अपना नाम आलेख बरिहा व पीछे बैठा व्यक्ति ने नाम प्रफुल्ल बारीक बताया। पुलिस पूछताछ में ये लोग गोलमोल जवाब देने लगे। इनकी जांच करने पर बड़ी मात्रा में नकदी रकम मिले। यह रकम प्रथम दृष्टया ही नकली प्रतीत हुआ। टीम ने जब नकली नोटों के बारे में जब उनसे पूछताछ की तो पुलिस की टीम को गोलमोल जवाब देकर घुमाते रहे। टीम ने जब तीनों से पृथक पृथक गहन पूछताछ कर महासमुंद जिले में आने का कारण एवं नकली नोट रखने के बारे में कड़ाई से पूछताछ की तो वह टूट गए। पुलिस की टीम ने पुनीराम पटेल से 5,500 के 199 नकली नोट, कुल 99,500 रुपए तथा प्रफुल्ल बारिक के पास से 2,200 के 431 नकली नोट, कुल 86,200 रुपए तथा आलेख बरिहा के पास से 2,200 के 175 कुल 35,000 रुपए के नकली नोट, कुल 2,20,700 रुपए, जिनमें 5,500 के कुल 199 तथा 2,200 रुपए के 606 नकली नोट जब्त किया गया। इनके विरुद्ध थाना सांकरा में भादवी 489C के तहत कार्रवाई की गई। महासमुंद जिले में हमें कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि ग्रामीण अंचल में कुछ लोग नकली नोट खपाने की कोशिश कर रहे हैं, विशेष रूप से ग्रामीण अंचल में अंधेरे वगैरह में शाम के समय। इस सूचना पर जो बॉर्डर के थाने हैं वहाँ और हमारे साइबर सेल को हमने पतासाजी में लगाया था सुरागरसी में। इसी सुरागरसी के दौरान उनको कुछ लोगों के बारे में सूचना मिली कि इनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं और ये इस टाइप के काम में संलिप्त हैं। इस सूचना पर वाहन चेकिंग लगाई गई थी कल, जिसमें कि परसवानी चौक में 2 मोटरसाइकिल में हमारे साइबर सेल और सांकरा थाने के लोग चेकिंग कर रहे थे। इस चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल में 3 संदिग्ध व्यक्ति मिले, जो पूछताछ में कुछ गोलमोल जवाब दे रहे थे, सही जवाब नहीं दे रहे थे। जब उनकी बारीकी से तलाशी ली गई तो उनके पास काफ़ी मात्रा में नकदी रकम बरामद हुई, जो कि नोट थोड़े से डाउटफुल लग रहे थे कि उन नोटों की जो प्रामाणिकता है संदिग्ध लग रही थी। इसमें जब बारीकी से देखा गया तो 2,82,000 रुपये के नकली नोट उनके पास पाए गए और इसमें 3 आरोपी हैं। पुनीराम पटेल निवासी मल्दी बलौदा बाजार का, आलेख बरिया निवासी ग्राम भंडारपुरी थाना झारबंद जिला बरगढ़ उड़ीसा का, और प्रफुल्ल बारिक ग्राम झेरावरन थाना सांकरा जिला महासमुंद के 3 आरोपी मिले हैं। इन आरोपियों के पास से नकली नोट बरामद हुए हैं और इन आरोपियों से बारीकी से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि इन्हें उड़ीसा से ये नकली नोट लेके आते थे कमीशन पे और यहाँ लाके उसको लोगों को कमीशन पे देते थे और चलाते थे ग्रामीण एरिया में। ये एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन कई दिन से ये लोग कई बार ला चुके थे और इनको जो इनके पास से कोई प्रिंटर या वो नहीं बनाने का सामान नहीं मिला है, कोई प्रिंटर या केमिकल या कागज वगैरह। इसमें एक आरोपी जो है पुनीराम पटेल, वो 2011 में भी थाना बसना में नकली नोट के प्रकरण में ही गिरफ्तार हो चुका है और उसके अलावा एक बार वो NDPS के प्रकरण में उड़ीसा में भी गिरफ्तार हो चुका है। अभी इनके खिलाफ थाना सांकरा में अपराध क्रमांक 105 कायम किया गया, जिसमें धारा 489C के तहत अपराध कायम किया गया है। और इसमें जो एक अभी जिसके पास से लाया जाता था उसके बारे में भी हम पता लगा रहे हैं, उसके बारे में कई हमें कुछ
गोपनीय इन्फॉर्मेशन मिल गई है जिसे भी बताना उचित नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से बहुत जल्द वो भी पकड़ाएगा। हाँ बिल्कुल, बॉर्डर एरिया में बलौदा बाजार वगैरह बॉर्डर एरिया में जाते थे ये लोग आसपास के, एक तो बलौदा बाजार का ही है, बलौदा बाजार जिले का, वहाँ भी ये लोग पा रहे थे। ये दूसरों को भी कमीशन में देते थे कुछ और लोगों का, जिससे इनका पता लगाया जा रहा है। और उसके अलावा जैसे पेट्रोल पंप में या गड्डी में मिला के इस तरह से अंधेरे में